इंदौर शहर में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जो लगभग 4000 साल पुराना है और जिससे तमाम पौराणिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। यह इंदौर के पंडरीनाथ थाने के पीछे स्थित है। माना जाता है कि इस मंदिर के नाम से ही शहर का नाम इंदौर और फिर इंदौर पड़ा। लोक मान्यताओं के अनुसार पहली मान्यता है कि वृत्तासुर नामक राक्षस से मुक्ति पाने के लिए इंद्र ने इसी स्थान पर भगवान शिव की आराधना और पूजा की थी। मंदिर के बारे में दूसरी मान्यता है कि देवराज इंद्र को एक बार सफेद दांत की बीमारी हुई तो उन्होंने यहां भगवान शिव की तपस्या की। मंदिर की स्थापना इंद्रपुरी ने की थी और मंदिर की स्थापना का जीर्णोद्धार का कार्य तुकोजीराव प्रथम ने कराया था। यह मंदिर आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। सफेद फूल हो गए थे, उन्होंने तपस्या करी है और इंदौर का नाम इसी मंदिर से पड़ा। इंदौर का सर्वप्रथम मंदिर है। यह अहिल्याबाई की नगरी नहीं है, अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर है, मगर हमारे यहाँ के संसद जो महाराष्ट्र बनी थी उन्होंने इसका इतिहास बदल दिया। कौन बदलने का? करोड़पति में इंदौर का इंजीनियर था, पूछा गया था कि एक कौन सा ऐसा शहर है जो भगवान के नाम से बसा, तो बेचारे को महती थी नहीं, नेता उन्होंने इतिहास बदल दिया तो नागपुर ने कानपुर बतलाता रहा, इंदौर बतला नहीं पाया। वो